ये ब्रेकफास्ट सुमा सिलीगुड़ी जाने का कैंसिल हो गया। कल इतना एक्साइटेड था, कल इतना वो लोग का नेपाली ऑल ऑफ इंडिया का हम लोग गोरखा के एक पर्व है हम लोग का, उसका 208 जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और कर दिस इज लाइक आवर लाइक 10 years बैक में भानु जयंती सेम प्लेस सेम जगह पे मैं ना खो गया था। हे गाइस गुड मॉर्निंग। एंड आज जो है ना कसम से बोल रहा हूँ, मॉम तो दुखी हो गई है, डैड हो गया, एंड इवन मी आई एम सुपर एक्साइटेड यू नो टू टेक माय मॉम डैड टू सिलीगुड़ी। बट द मेन थिंग था कि हम लोग सिलीगुड़ी जाने का वो प्लानिंग था कि डैड का डॉक्टर दिखाने का, एंड डैड का डॉक्टर नहीं रह रहा है अभी, मतलब 15 तारीख के बाद ही रहेगा। तो मुझे कल मैंने फ़ोन किया था रात को, तो बोल रहा था कि मेरे को कि 15 तारीख के बाद ही आना क्योंकि अभी मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ हो गया। तो मॉम ना क्या बोले, मॉम से बात करा दो, चलिए क्या बोल रही है मॉम आपको मैं मॉम से बात कर रहा हूँ। मॉम अभी थोड़ा रोटी बना रही है ब्रेकफास्ट। सुमा सिलीगुड़ी जाने का कैंसिल हो गया, कल इतना एक्साइटेड था, कल इतना वो चीज़ हो रहा था घर में, पिताजी गाने गा रहे थे, आप डांस कर रही थी। खुशी को लगे। तो क्या हो गया, आप तो कैंसिल हो गया सिलीगुड़ी का। अब जाने का मन तो था लेकिन कैंसिल हो गया। एक्चुअली क्या ना, डॉक्टर का भी फोन आया था उसका कारण से। तो कोई नहीं माँ, आप टेंशन काय कर रहे हो, आपको लेके जाऊंगा मैं यहाँ सिलीगुड़ी घर छोड़ने से पहले सिलीगुड़ी सब घुमा के लाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। एंड क्या बोलते हैं, एक्चुअली डैड बाबू बाबा को भी दही बन था कैंसिल पर डॉक्टर उसका कारण से ना। अब बाबू को कैंसिल बाबू संगे जान पड़ता है। ठीक है, स्माइल कर दो फिर बस। तो अभी थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ, ठीक है। सो हे गाइस, अभी जो कि आज हम लोग का एक्चुअली में भानु जयंती है एंड नेपाली कल्चरल हम लोग का 208 जन्मदिन है हम लोग का, जो कि भानु जयंती एक त्यौहार की तरह हम लोग का नेपाली का जो कल्चरल एक्टिविटीज मतलब प्रोग्राम जैसा होता है, यहाँ से हम लोग का 2 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पर होने जा रही है। एंड प्लस हम लोग का मॉम अभी रेडी हो गए जाने के लिए, एंड यू नो मॉम रेडी हो गया जो कि आज भानु जयंती जाने के लिए। इन प्लस सिलीगुड़ी जाने था आज, पर सिलीगुड़ी जा नहीं पाए एंड कैंसिल हो गया। एंड मॉम अभी रेडी हो गए एकदम प्रोग्राम में जाने के लिए। एंड मॉम क्या बोलना चाहते हैं आप, सिलीगुड़ी तो जा नहीं पाए, आप भानु जयंती से खुश हो रहे हैं? भानु जयंती जाने पर अब सिलीगुड़ी जाने पाए ना, अब भानु जयंती गए संत कर सिलीगुड़ी तो जाएंगे, भानु जयंती जा रही है अभी। तो अभी मैं भी जाऊँगा तो बहुत धूप है, पर अभी मैं बाद में जाऊँगा क्योंकि मॉम लोग का अभी जाके थोड़ा सा यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी करेगा, तो यहाँ से जाके चल के जाना पड़ता है वहाँ पर। तो अभी मॉम जा रही है इसलिए मतलब भानु जयंती पे, तो ठीक है अभी मिलते हैं, मैं भी आऊँगा। ठीक है, लो एक और इंसान लाइक हम लोग के अभी रेडी हो रहा है, वो एकदम खास आदमी है वो वहाँ का। अभी ये देखिए यहाँ पर पूरा गोरखा ट्रेडिशन में है, ढाका टोपी के साथ एकदम अभी रेडी हो गया है भैया हम लोग जाने के लिए। ये तो सबसे खास आदमी है यहाँ का एंड अभी ये रेडी हो रहा है। तो भाई क्या बोलना चाहते हो आप? मैं तो अभी जाना पड़ेगा, हम लोग को 10 बजे का टाइम दिए है, 10-11 बजे से बाहर होगा हम लोग का एक रैली होगा गोरखा, जो हम लोग गोरखा जनमुक्ति एक तो होता है, एक समाज है हम लोग का नेपाली ऑल ऑफ इंडिया का, हम लोग गोरखा के एक पर्व है हम लोग का, उसका 208 जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और कर रहे हैं हम लोग कर रहा है। तो थोड़ा हम लोग का सब जो नेपाली नेपाली कल्चर नेपाली जो हर लैंग्वेज का नेपाली, लेकिन वो लोग सब रेडी होते हैं हम लोग को यहाँ ग्राउंड पर अभी आएंगे और हम लोग को रैली करके जाना पड़ेगा। मैं एक वॉलंटियर हूँ। तो गाइस अभी ये भी रेडी हो रहा है, ये भी जाने के लिए रेडी हो रहा है, पर ये सबसे पहले ये रील्स बना रहा है, रील्स बना के जाएगा। एंड अभी वही है, आप सबको मैं भी मिलूंगा, मैं भी जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि हम लोग का प्रोग्राम कैसा रहता है वहाँ का, लाइक भानु जयंती कैसा होता है। एंड मैं भी विजिट करूंगा, पर मैं भी कितना साल हो गया मैं भानु जयंती भी था ही नहीं घर पे, इस बार आज भी नहीं होता क्योंकि आज सिलीगुड़ी जाने का प्लान था मेरे, पर आज सिलीगुड़ी नहीं गया, तो आज भानु जयंती का मजा लेते हैं एंड जाते हैं। अभी तो नहीं जाऊँगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद ही पहुँचेगी।
गाइस अभी लाइक 2 बज रहे एंड बहुत ही ज़्यादा धूप है एंड अभी मैं जस्ट खाना खा लिया, कुंदरुक का झोल एंड भात एंड अचार खाया है, वन ऑफ द फेवरेट कुंदरुक का झोल है। एंड अभी मैं निकल रहा हूँ एंड जो कि भानु जयंती के लिए, एंड इट्स टू हॉट ब्रो, मुझे जाने भी मन नहीं है, पर मैंने माँ को बोला है मैं आऊँगा बोल के, एंड जाते हैं थोड़ा धूम के आते हैं, पर ज़्यादातर नहीं रहूँगा मैं। एंड बहुत ही ज़्यादा धूप लगा है भाई, निकलना नहीं सक रहा हूँ, मुश्किल है। तो अभी मैं निकलता हूँ गाइस, तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है? तो बहुत मज़ा आने वाला है एंड दिखाता हूँ आपको हम लोग का नेपाली में कैसा कल्चरल प्रोग्राम रहता है। एंड बहुत से सारे लाइक ब्लॉक से लोग आएंगे, नेपाली, एवरी नेपाली विल बी देयर एंड हम लोग का ट्रेडिशनल। तो चलते हैं गाइस, एंड आप किरण छेत्री जी लाई स्वागत भाषण। लेट हो गए जो कि हम लोग अच्छी तरह से लाइक फुटेज नहीं ले पाए इसका, जो एक ही कल्चर में हिस्ट्री हाल के देश में बन हो नेपालीको होइन 2011 मा गौतम देव उद्बोधन गरेको थियो, पतञ्जलि गौतम देव भन्ने उद्बोधन 2011 म्युजियममा विभिन्न पिएचडीको पिएचडीको त्यो प्र्याक्टिकल फिल्डहरू गर्नु हुन्छ, विभिन्न जात जातको धेरा चाहिँ विशेष गरी यो प्लेस एन्ड कालचिनीमा हो एन्ड यो तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, धेरै प्रकारको तपाईँले म्युजियममा लाइक नेपालीको जुन पनि ट्रेडिसनल छ तपाईँले त्यो चाहिँ लाइक हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको जमानाको मान्छेहरूले लाइक कसरी लाइक दे लाइक युज टु मेक दिस थिङ्स होइन, सो यो चाहिँ तपाईँले त्यो म्युजियममा हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस अल फर यु, अलिक देखाउनु पाएँ तर इट इज लाइक बिकज थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस। ओके अभी फिलहाल हम लोग यहीं पर हैं एंड वी जस्ट एंजॉइंग द प्रोग्राम एंड अभी जस्ट बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड नो अभी जस्ट बाहर आके आइसक्रीम खा रहा हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा गर्मी है एंड अभी निकल रहा हूँ यहाँ से एंड थोड़ी देर के बाद निकल जाऊँगा क्योंकि शाम को प्रोग्राम एग्जैक्टली होता है एंड अभी जस्ट सो लाइक वासन एंड ऑल दिस थिंग्स इज गोइंग ऑन बट है ना, तो अभी मैं बहुत गर्मी है, अभी मैं निकलूँगा घर के लिए, तो 2-3 घंटे बाद शाम को मिलूँगा आपको, शाम को यहाँ पर आऊँगा तो उसके बाद थोड़ा प्रोग्राम रहेगा, तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है? गाइस अभी फाइनली मैं घर पहुंच गया एंड अभी शाम को जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी ना लाइक बहुत ज़्यादा धूप लगा है एंड उतना प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, कल्चरल लाइक भाषण वासन चल रहा है ऐसे बोला था आप सबको। एंड अभी मम भी आ गई है तो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, वो फैन में हवा खा रही है एंड पिताजी इधर है ड्यूटी से आ चुके हैं एंड अभी मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है? हाय गाइस, आई जस्ट रीच होम नाउ, अभी प्रोग्राम में था एंड 11 बज गया अभी एंड
बहुत ही अच्छा था एंड कल्चरल यू नो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को वहाँ पर है ना फर्स्ट लाइक एक चीज़ बोलना था मेरे को ना मुझे ना एक भैया ने मुझे याद दिलाया कि लाइक यू नो मैं भानु जयंती आफ्टर बिफोर लाइक 10 years back यू नो 10 years back में भानु जयंती सेम प्लेस सेम जगह पे मैं ना खो गया था 10 साल आगे 10 से 12 साल आगे तो मेरे को बोल रहा था तुम ना यहाँ पर भानु जयंती पे आए ना 10 साल 12 साल पहले आए थे तुमको तुम खो गए थे यहाँ पर तो आई वॉज थिंकिंग ना कब भैया है ना ऐसा भी मेमोरेबल दिन होता है ऐसा भी लाइक ना बहुत अच्छा से मिला सबसे ही ना तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को एंड ना कुछ पल होते हैं यू हैव टू इन्जॉय यू टू इन्जॉय योर डे है ना डू योर थिंग्स इन योर डे एंड ट्राई टू मेक समथिंग यू नो ओके सो ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट थैंक यू फॉर योर लव कीप सपोर्टिंग कीप लविंग यू नो बाय बाय